हेलो एवरीवन। तो आज क्लास में हम लोग कर लेते हैं जो एक्सरसाइज 5.3 का जो बचा हुआ सवाल है इसको कंप्लीट करते हैं, है ना। पिछले क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट नहीं किए, कुछ सवाल किए थे। तो आज जो सवाल है वो स्टार्ट होगा 4 से और फाइनली, है ना, 4 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4th में क्या लिखा हुआ देखोगे, कह रहा 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद होना चाहिए। ठीक है, 9, 17, 25 प्राप्त करना है 636 योगफल, तो SN हो गया आपका 636 योगफल प्राप्त करना, टोटल पदों का योगफल 636 होना चाहिए। अब वो AP है 9, 17, 25 .. हमें इसमें कितने पद लेना पड़ेगा ताकि उन सभी का योगफल 636 आ जाए, जिस तरह से 9 को 17 को 25 को और भी बहुत सारी संख्याओं को, मतलब 9 17 8 8 इसमें 8 बढ़ते हुआ जाएगा, कितने पद तक हमें लेना चाहिए ताकि उसका योगफल 636 आ जाए। तो दिए गए श्रेणी के लिए जो पद होगा वो 1 का मान 9 होगा, कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर 17 - 9 जो कि हो जाएगा 8, है ना। यहीं से आप निकाल सकते हो SN के फॉर्मूले से SN बराबर क्या 636, बहुत सिंपल सवाल है। SN के लिए यूज़ करोगे N/2 × 2A+, देखो ये कंडीशन दिया हुआ है चूँकि इसीलिए, तो N-1 × D बराबर में 636। ठीक है, N की वैल्यू हमें निकालनी है, 2 × A, A का मान दिया हुआ है 9, ठीक है, प्लस एन निकालना है और डी का मान कितना आया 8 बराबर में 636। यदि इसको सॉल्व करेंगे N/2 × 2 से 9 18 8 को एन से गुना करो 8n, 8 को -1 से तो -8 बराबर में क्या 636, है ना। ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं 18 - 8, ठीक है, N/2 18 - 8 10 बचेगा, अब प्लस में 8n बराबर में क्या 636 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि हम ब्रैकेट खोलने के लिए n को 10 से गुना कर लो, N/2 को 10 से गुना कर लो, उसी तरह से N/2 को हम 8n से गुना कर लेते बराबर में 636, 2 × 5 = 10, ये बचेगा आपका 5n, 2 × 4 = 8, ये बचेगा आपका 4n² बराबर में 636। अब इसका गुणनखंड करना है, ठीक है, तो जो स्क्वायर वाला पद है उसको आगे करते हैं, 4n² + 5n, 636 को सॉल्व करेंगे इस साइड लाना -636। अब गुणनखंड इस प्रकार करना है कि ताकि जोड़ कर घटा के 5 आना चाहिए, गुना करने पर 636 × 4 के बराबर आना चाहिए, तो वैसे 4 का गुणनखंड हो गया आपका क्या 2, 2। अब हमें 636 का गुणनखंड करना है, 2 + 6 = 1 + 2 = 16, है ना, 2 + 6 = 2 = 16, ये हो जाएगा आपका 2 × 1 = 1, 2 × 5 = 10, 1 × 2 = 18, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, अयुक्त नहीं कटेगा, हाँ हो गया। तो गुणनखंड आया 636 का, ये 4 का ये, तो इसको कंबाइन करना हमें इस तरह से, 3 × 6 = 6 × 12 = 12 × 24 = 24 × 5 = 24 × 48, मिल गया, दो फैक्टर मिल गया, 1 53 = 48, इसको घटाने में 5 आएगा और गुना करने पर इसके गुणनफल के बराबर आएगा 4n², है ना। इसको यहाँ लिख लो आप 48n, चूँकि प्लस साइन लाना था यहाँ माइनस कर दो, बड़ी संख्या में प्लस करना है, प्लस 53n - 636 बराबर में 0, बड़ी संख्या में प्लस माइनस यहाँ होगा ताकि वो घटकर 5n + 5n आ जाए। उसके बाद 4n कॉमन लेंगे तो n - 12 = 48, दोनों में 53 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n - 12 बराबर में 0, n - 12 फिर से कॉमन लेंगे 4n + 53। अब यहाँ से n का 2 वैल्यू आएगा, n - 12, तो यहाँ से आ गया n = 12, अब 4n + 53 बराबर में 0, यहाँ से n का वैल्यू आएगा -53/4, चूँकि n क्या है पदों की संख्या है,
तो पदों की संख्या के लिए हम ऋणात्मक पूर्णांक लेते ही नहीं, ऋणात्मक भिन्न लेता ही नहीं, तो n का मान -3 पर बटे 4 नहीं होगा, n का मान क्या होगा आपका 12। मतलब ये हुआ कि 636 का योगफल प्राप्त करने के लिए हमें कितना पद लेना पड़ेगा, कुल 12 पद लेना पड़ेगा। अतः कंक्लूजन लिख लेते हैं, 636 योग प्राप्त करने के लिए, ठीक है, 636 योग प्राप्त करने के लिए कुल 12 पद लेते हैं, है ना, ये हो गया आपका आंसर, टोटल 12 पद लेंगे। तो एन 45 दिया हुआ है, सवाल है कि और योगफल दिया हुआ है 400, मतलब है कि कुल पदों का योगफल है 400, श्रेणी में जितना भी पद होगा उनका सभी पदों का योगफल 400 दिया हुआ। तो सवाल यह है कि पदों की संख्या, इट मीन्स कि इनका मान क्या होगा और साथ साथ सार्व अंतर क्या होगा, ये हमें दोनों निकालना है, सार्व अंतर और एन का मान, पदों की संख्या। तो बहुत ईजीली बन जाएगा, अब देखो एस एन बराबर 400, एन बराबर 45, यहाँ से एक समीकरण तैयार करना है, यहाँ से दूसरा समीकरण तैयार करना है, है ना, क्योंकि दिया हुआ एन बराबर 45, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में 45, ठीक है। अब ए जो कि 5 दिया हुआ है, एन माइनस वन इंटू डी आपको ऐसे ही रहने दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट इस पर यूज़ कर लेंगे, आसानी से बन जाएगा, एन माइनस वन इंटू डी बराबर में क्या 45 माइनस 5, जो कि होगा कितना आपका 40 होगा, ठीक है, एन माइनस वन इंटू डी का मान आ गया 40। अब क्या करना है कि चूंकि फिर से दिया हुआ है ना, फिर एस एन का मान 400 दिया हुआ, इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में 400, ये दिया रखा है, बराबर में 400 दे रखा है। अब यहाँ से क्या करना है कि n माइनस वन इंटू डी का डायरेक्ट मान पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें n का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, तो n बाई टू इंटू टू इंटू ए, ए है 5 आपका, n माइनस वन इंटू डी का मान डायरेक्ट पुट कर देंगे कितना 40 बराबर में 400, ठीक है। अब देखो आसान हो गया, ये n बाई टू 10 और 40, 5 × 10 और 40 हो जाएगा आपका 50 बराबर में 400, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुना करना है, तो n बाई टू 50 से कैंसिल होगा बराबर में 400, 2 से 50 25 बार में कैंसिल, 25 को n से गुना करो क्या आया 25n बराबर में 400, तो n हो जाएगा आपका 400 बट्टे में 25, वैसे 25 1400 होता है, तो इस बार 16 बार में कट जाएगा, n का मान आ गया 16, मतलब ये होगा कि उन श्रेणी में 16 पदों का योगफल आपको 400 मिलेगा, ठीक है। हाँ, अब निकालना है क्या हमें, सार्व अंतर, एन तो आ गया, सार्व अंतर निकालना है, तो इस समीकरण से देख सकते हो, चलो इसको समीकरण एक मान लेते हैं, ये वैल्यू आया है समीकरण एक से, समीकरण एक से, अब समीकरण एक क्या लिखा हुआ है, एन माइनस वन इंटू डी बराबर में 40, ठीक है, एन माइनस वन इंटू डी बराबर में 40, एन जो कि 16 है, माइनस वन इंटू डी जो कि दिया मतलब निकालना है हमें, हाँ निकालना है, बराबर में 40, ये हो गया आपका 15 डी बराबर में 40, यहाँ से डी निकालेंगे 40 बट्टे 15 जो कि 5 से कैंसिल होगा, तो 8 बार में और 3 बार में, है ना, तो डी हो जाएगा आपका 8/3, मतलब फाइनली आंसर आ गया, जो हमें चाहिए वो आया, उस श्रेणी में कुल 16 पद है और कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर 8/3 है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर अब 5 के बाद 6 को देखते हैं क्या है। देखो 6 में कह रखा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है, सार्व अंतर 9 दिया हुआ है, तो सवाल है कि इसमें कितने पद होंगे और उस पदों का योगफल क्या होगा, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। तो
सेक्स में है किसी एपी का प्रथम पद मतलब ए जो कि दे रखा है 17 और अंतिम पद क्रमशः एन 350। यदि सार्व अंतर उस श्रेणी के लिए अगर सार्व अंतर 9 है तो सवाल है कि उस श्रेणी में कुल कितने पद होंगे और कुल पदों का योगफल क्या होगा। ठीक है, देखो सवाल को पढ़ना है और जो जो आंकड़ा दिया हुआ उसको लिखना है। अब देखो क्या करना है, एन हमें एस एन निकालना, तो एस एन तो निकालना ही, एन जो निकालेंगे वो ए एन से होगा, समीकरण तैयार होगा एन से निकलेगा। तो चूंकि दिया हुआ है ए एन बराबर 350, ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी जो कि होगा 350। तो ए की वैल्यू क्या है 17, एन हमें निकालना है और डी है 9, ठीक है, 17 प्लस 9 को एन से गुना करो 9 को माइनस वन से माइनस 9 बराबर में 350। 17 माइनस 9 8 होगा प्लस 9 एन बराबर में 350। 9 एन बराबर 350 माइनस 8 9 एन बराबर ये घटकर हो जाएगा 342 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे तो एन हो जाएगा आपका 342 बट्टे में 9 3 27, ठीक है, 9 3 27 हो जाएगा आपका 7 होगा 9 8 72। इस तरह से एन का मान क्या आ गया 38 आ गया। उसके बाद निकालना है एस एन का मान क्या होगा, तो एस एन हो जाएगा एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन जो कि अभी हमने निकाला है कितना 38, मतलब दिए गए श्रेणी में टोटल 38 पद होगा, इंटू 2 इंटू ए जो कि वैल्यू दे रखा है 17, ठीक है, एन फिर से वही 38 पद है, माइनस वन इंटू डी जो कि दिया हुआ है कितना 9, इसको काटेंगे कैंसिल करेंगे 19 आएगा, हो जाएगा 17 2 34, 37 × 9, 37 को 9 से गुना करना है, 7 9 63 में 6 हासिल में 6, 9 3 27 6 33, ठीक है, तो 19 इंटू इसको जोड़ना है तो 4 × 7 3 3 6 ये हो जाएगा 367। फाइनली क्या करना है, 19 को 367 से आप गुना कर लोगे, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा। वैसे इसमें और भी सवाल हैं तो सबका तरीका एक ही होगा, तो मैं एक काम करता हूँ कि सारे का आंकड़ा मैं लिख कर समझा देता हूँ, आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करेंगे, ठीक है, तो 7th में दिया हुआ है किसी उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल, मतलब ये होगा कि एस एन टोटल है 22, एस 22 22 पदों का योगफल क्या होगा वो निकालना है, जिसमें D का मान दे रखा है आपका कितना 7 और 22वां पद 149। अच्छा क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत आसानी से बन जाएगा, मतलब ये समझ में आना चाहिए कि इस श्रेणी टोटल ऐसा श्रेणी है जिसमें टोटल 22 पद है, उस 22वां पद जो लास्ट में पद है उसका मान है 149। ठीक है, पता नहीं वो पहला पद क्या होगा, हाँ लेकिन जो भी श्रेणी हो तैयार होगा उसके बीच का कॉमन डिफरेंस साथ आएगा। तो सवाल ये है कि उस 22 पदों का योगफल निकालना है, तो यहाँ से एक समीकरण तैयार होगा जहाँ n का मान 22 हो गया, आपके लिए n का मान 22 हो गया और a का मान वही तो निकालना है, a का मान और n है 22, तो यहाँ से अब d दिए रखा है तो n निकाल लोगे, नहीं n नहीं बल्कि कह सकते हैं a निकालोगे, और a d n तो आ चुका है तो sn से निकाल लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, उस एपी के 51 पदों का योगफल, सेम क्वेश्चन ऐसे ही होगा, 51 पदों का योगफल बताना जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः, मतलब है कि ए टू 14 और ए थ्री 18, जिसका दूसरा और तीसरा पद का मान दिया हुआ है, तो सवाल है कि उस 51वां पद उस श्रेणी के 51 पदों का योगफल क्या होगा वो निकालना है आपको। यहाँ से दो समीकरण तैयार होगा, ए और डी का मान आएगा,
ठीक है, इन दोनों समीकरण से ए और डी का मान आएगा और ए और डी के मान को इस समीकरण में पुट कर देना है एस एन में। एन हो गया आपका 51, एन हो गया आपका कितना 51। ए और डी इस दोनों को सॉल्व करने पर आएगा, दो समीकरण बनेगा, दोनों को हल करोगे, ए और डी का मान आएगा, एन का मान 51, उसके बाद आप एस एन निकाल दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल, ठीक है, प्रथम 7 पदों का योगफल के लिए एस का यूज करते हैं, S7 हो जाएगा 49, और प्रथम 17 पदों का योगफल, 1 से लेकर 17 पदों का योगफल 289, तो इसके प्रथम पदों का योगफल बताना, प्रथम एन पदों का योगफल बताना है ना, शुरू के एन पदों का क्या योगफल होगा वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में S7 49 और S17 289, तो N का मान क्या होगा? ठीक है, क्योंकि S7 दे रखा है 49, ठीक है, S7 49 है, तो सवाल है कि यहां से इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो एस एन का फॉर्मूला होगा वो यूज करना है, एस एन का फॉर्मूला, तो एन बाई टू का, क्योंकि 7 पद है तो 7 बट्टे 2, 2a प्लस एन माइनस एन हो गया 7 आपका बराबर में 49। ठीक है, हाँ, उसके बाद क्या करना है, 7 बट्टे 2, 2a प्लस ये हो जाएगा आपका 6d बराबर में 49। एक काम करते हैं कि दो कॉमन लेते हैं सब में, इन दोनों में से, तो बन जाएगा है ना 7 बट्टे 2, दोनों में 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस 3d बचा आपका बराबर में 49, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 7, a प्लस 3d बराबर में 49। अब 7 से 49 7 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि a प्लस 3d बराबर में 7, समीकरण 1 हो गया आपका, ये समीकरण 1 हो गया आपका। उसी प्रकार से S17 के लिए दे रखा है ना, तो S17 फिर S17 है 289, इसके लिए भी फॉर्मूला ये सेम यूज करना है। ठीक है, क्या होगा 17 बट्टे 2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर में 289, 290। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 17 बट्टे 2 2 कॉमन लिया जाएगा इसमें कॉमन, तो ए बचा, यहाँ 16d है ना, तो 16 में 2 कॉमन लिया तो 8 बचा बराबर में 289। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 17 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 17 को 17 से बार में काटेंगे 289 आएगा, तो फाइनली आपका क्या बचा a प्लस 8d बराबर 17 है ना, a प्लस 8d बराबर 17, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब S7 से एक समीकरण आया, S17 से दूसरा समीकरण आया, उसके बाद क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, है ना, तो ए, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 3d बराबर में 7, a प्लस 8d बराबर में 17। ठीक है, तो a से a कैंसिल हो गया, 3 में से 8 घटाएंगे क्या आएगा -5d, ये हो जाएगा -10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो फाइनली अब क्या आ गया, d का मान क्या 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है कि इस मान को या तो 1 या तो 2 में रखेंगे, है ना, समीकरण 1 से अगर हम देखते हैं तो 1 क्या लिखा हुआ, a प्लस 3d बराबर में 7। ठीक है, यहाँ से a प्लस 3 गुने d, d का मान क्या है आपका 2 हो गया, तो जब इस को सॉल्व करोगे तो 7, 6 उधर जाएगा, तो a का मान क्या बचेगा आपका 1 आएगा। ठीक है, तो d आ गया 2। सवाल ये है कि इस श्रेणी के लिए n पदों का योगफल क्या हो, n पदों का योगफल, तो फिर से SN यूज करेंगे, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, ये
देखो S7 बराबर 49 से समीकरण 1 लाया, पदों का योगफल के लिए फॉर्मूला यूज़ किए। S17 289 से समीकरण 2 सा तैयार किए, दोनों को सॉल्व किए हैं तो A और D का मान हमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद हमें क्या करना है कि N पदों का योगफल निकालना, तो N N ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 2 into A, A का मान क्या यहाँ है ना, तो A की वैल्यू 1 आया, प्लस N माइनस 1 इंटू D, D की वैल्यू क्या आया, 2 आया, ठीक है। तो N बाई 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू N, 2N माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, N बाई 2 इंटू 2N, 2 से 2 कैंसिल, फाइनली हो गया N इंटू N, N स्क्वायर। तो N पदों का योगफल आ गया आपका N स्क्वायर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, क्या लिखा हुआ है, दर्शाएं A1 A2 A3 .. An से एक AP बनती है, ठीक है। यदि A नीचे दिए गए अनुसार के परिभाषित दिया हुआ, फर्स्ट और सेकंड दो सवाल है इसमें, A1 A2 A3 .. एक एक ही AP के रूप में दिया हुआ है, तो इसके लिए पहला सवाल है An बराबर 3 + 4n, दूसरा में दिया है 9 - 5n, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो एन दे रखा है आपका और निकालना है 15 पदों का योगफल प्रत्येक स्थिति में, मतलब एस 15 निकालना है। तो इस समीकरण में क्या है कि एन बराबर 3 + 4n के लिए प्रत्येक पदों के लिए अलग अलग पदों का मान आएगा। अगर हम n का मान 1 रखते हैं तो an बन जाएगा आपका कितना, 3 + an a1 हो जाएगा, n की वैल्यू 1 रखा गया, 3 + 4 into n, 4 + 4 into 1, जो कि सॉल्व करने पर 4 3 7 आ जाएगा। n की वैल्यू 2 रखते हैं तो a2 आएगा, 3 + 4 into 2, जो कि हो जाएगा 4 × 2 = 8 + 3 = 11। n का मान 3 रखने पर a3 3 + 4 into 3, ये हो जाएगा 3 + 12 = 15। इस तरह से पद तैयार हुआ 7 11 15, है ना। तो ap, वैसे 3 पद काफ़ी है, ap तैयार हो गया कितना आपका 7 11 15, इस तरह से। जब ap दे रखा है, इट मीन्स कि प्रथम पद दे रखा है और कॉमन डिफरेंस 7 दे रखा, ये दे रखा है 4, तो हमें निकालना है S15, 15 पदों का योगफल S15 निकालना है। 15/2 n/2 जो कि 15 है, 2a + n, n मतलब 15, -1 × d, ठीक है। तो 15/2 इंटू 2 × a, a अभी निकाले हैं कितना 7, यहाँ 14 हो जाएगा, ये होगा d कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। 15/2 अंदर में 14 + 14 = 56, 15/2 दोनों को जोड़ेंगे आ गया आपका 70, 35 बार में कैंसिल होगा, तो 15 को हम 35 से गुना करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5 × 25 के 5 हासिल दो, 5 × 15 = 17 और हो जाएगा 350। इसको जब जोड़ेंगे 5 7 5 12 3 1 4 1 5, ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार आप दूसरा भी बनाओगे, ठीक है। दूसरा ऐसे ही बनेगा, 9 - 5n दे रखा है, तो n का मान से n1 रखे हुए, 2 रखे हुए, 3 रखे, एक ap तैयार होगा, ap तैयार होने का मतलब कि a और d का मान दे रखा है। उस सवाल के लिए भी हम s15 का मान निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ap के प्रथम n पदों का योगफल 4n - n² है। ये सेम सवाल दसवां की तरह बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग ट्राई करते हैं 12 एक न्यू तरह का सवाल, एक नए तरह का सवाल है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाजित हो, है ना। कह रहा है कि प्रथम 40 धन पूर्णांक ज्ञात करें,
ज्ञात करें जो छः से विभाज्य हो, ये कह रहा है, ठीक है, जो छः से पूरी 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 तरह कट जाए। तो ऐसा छः प्रथम धन पूर्णांक वो कौन सा होगा? तो सबसे पहले जो छः का पहाड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, शुरू से लेके छः का पहाड़ा 40 धन पूर्णांक तक पढ़ना है ना। छः दुना 12, छः त्रिक 18, धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें, योगफल 6 चौक 24, एंड फाइनली तो श्रेणी का पद होगा वो 6 चौक 24 240 होगा, 40 धन पूर्णांक। इसका योगफल ज्ञात करना जो 6 से कट जाएगा, तो एपी तैयार हुआ आपका ऐसा। यहां से हम ए का मान निकालेंगे, प्रथम पद जो कि होगा आपका कितना 6, सार्व अंतर निकालेंगे तो 12 माइनस 6 जो कि होगा आपका 6, 40 धन पूर्णांक। तो n ऑलरेडी इसमें 40 है, कोई जरूरी नहीं निकालना कि n का मान अलग से निकालो उसके बाद मान रखो, an से निकालने की जरूरत नहीं है, दे रखा है प्रथम 40 धन पूर्णांक, ठीक है। तो अब निकालना है sn का फॉर्मूला, sn जो कि होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब 40 धन पूर्णांक के लिए S 40 हो जाएगा 40/2 गुने 2 इंटू ए, ए जो 6 दे रखा है, N 40 दे रखा है, और D आपका दे रखा है कितना 6। ये कैंसिल होकर हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 12, ये हो गया 39/6 है ना, 39/6 शॉर्ट करना, 9 6 54 में 5 6 18 5 23 234 आ गया। तो 20 गुने दोनों को जोड़ना है, 4 2 6 3 1 4 2 246 आ गया। अब दोनों को गुना करना है ना, तो दोनों को गुना करेंगे 6 2 12 में हासिल 1 4 2 8 1 9 2 2 4 3920 आएगा। प्रथम 40 धन पूर्णांक को अगर जोड़ा जाए तो 49।